अरे बप्पा रे बप्पा, ये तो गजब हो गया रे। अभी तो एग्जाम स्टार्ट ही नहीं हुआ तब तक न्यूज आ गई धांधली वाली। तो चलो देखते हैं कि कहां से कहां तक कितनी धांधली हो रही है, सतर्क हो जाओ रे। हेलो एवरीवन, शैलेश शिक्षा में आपका स्वागत। आज की इस वीडियो में हम लोग बहुत यूपीपीसीएल जेई एग्जामिनेशन के बारे में, क्या इस बार यूपीपीसीएल जेई में भी होगी धांधली। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा, ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भूलिएगा। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और सीधा मुद्दे। तो स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता ही, आपको याद ही होगा कि पिछली बार जब एग्जामिनेशन हुआ था, मतलब वो सीन याद करिए जब एक स्टूडेंट था जिसका नाम था राम बाबू। भाई तीन बार हम नाम लिए हैं क्योंकि उसने ग्रेट वर्क किया था। उसने 200 में से 200 मार्क्स अचीव किए थे। जी हाँ, 200 में से 200 मार्क्स अचीव किए थे, जबकि 10 क्वेश्चन ऐसे थे जिसका फिगर ही नहीं शो कर रहा था। भाई 10 क्वेश्चन ऐसे थे जिसका फिगर ही नहीं शो कर रहा था, उसको छुड़वा दिया गया था। आयोग से आए हुए अधिकारी थे, उन्होंने कहा कि भैया तुम ऐसा करो कि 10 क्वेश्चन छोड़ दो, 10 क्वेश्चन के बाद 190 में से आपका टोटल मार्क्स बनेगा। लेकिन उसने भाई पैसा दिया था, खर्च किया था पैसा, सो ही विल अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चन। क्यों भाई, वो पैसा क्यों नुकसान करे अपना। तो उसने 200 में 200 नंबर ले लिया। और आपको पता ही है कि किस तरह से फिर धरना प्रदर्शन हुआ, योगी जी के पास जाया गया और उसके बाद फिर उस एग्जाम को कैंसिल कर दिया गया। और इस एग्जाम में यकीन मानिए सबसे बड़ा लॉस हुआ राम बाबू का। राम बाबू भूल गए, वही जिसने एग्जाम में 200 में से 200 नंबर अटेम्प्ट किया था, क्योंकि उसको भैया यूपीपीसीएल ने ब्लैक लिस्ट कर दिया, हटाओ भैया तुमको एग्जाम नहीं दे सकते। और उसके साथ साथ जो TCS कंपनी ने एग्जाम कराई थी वो भी ब्लैक लिस्ट हो गई। चलो ये तो ओल्ड न्यूज था, आपको हम लेटेस्ट अभी जो मार्च में एग्जाम से हैं यूपीपीसीएल के, जेई के नहीं लेकिन अदर एग्जामिनेशन जो हुए हैं, आप तो पता ही होगा आपको कि वहां पर भी मुन्ना भाई पकड़े गए हैं। मुन्ना भाई जिनका सालवर गिरोह गैंग कहां से कहां तक था, बिहार से लेकर के पूरा यूपी में फैला हुआ था, बिहार से यूपी में पूरा फैला हुआ है। वो कोचिंग से लिंक थे और एक एक लोगों को मतलब दूसरे एक जगह दूसरा भी बैठ के एग्जाम दे रहा था। तो ये तो न्यूज थी अभी लेटेस्ट, शायद आपको अभी याद ही हो गया होगा, शायद आप भूल गए होंगे। अभी तो स्टार्ट ही नहीं हुआ एग्जाम, यूपीपीसीएल का एग्जाम तो अभी स्टार्ट ही नहीं हुआ, न्यूज ही नहीं कोई आई, उसके पहले फ्रॉड की न्यूज आ गई रे पापा। फ्रॉड की न्यूज, हाँ आपको यहाँ नोटिस आपको हम दिखा देते हैं, इसको आप पढ़ लीजिएगा, इसको आप अपने से पढ़ लीजिएगा। हम आपको बस इतना दिखा दे रहे हैं कि देखिए स्टूडेंट्स, अभी तो एग्जाम स्टार्ट ही नहीं हुआ लेकिन फ्रॉड की न्यूज आ गई। फ्रॉड की न्यूज वो भी ऐसी आई है कि पूरा का पूरा यूपीपीसीएल साइट ही चेंज हो गया है, और उस यूपीपीसीएल साइट पर सीधा सीधा दूसरे लोग एग्जाम अपना कोई वैकेंसी क्रिएट कर दे रहे हैं, एग्जाम दे रहे हैं। सर्वेयर की वैकेंसी आ गई है, फॉर्म मत भरना नहीं तो बहुत टेंशन में आ जाओगे, पैसा सारा का सारा डूब जाएगा, क्योंकि वो फालतू है, वो जो है कि फेक है, फर्जी है, अफवाह है। वो जो वैकेंसी है बिल्कुल ही फेक है, क्योंकि यूपीपीसीएल ने नोटिस में दिया भैया कि यूपीपीसीएल वालों ने नोटिस निकाला है कि भैया तुम सावधान रहो, अब हम क्या कर सकते हैं, बहुत लोग हमारे पीछे पड़े हैं, फर्जी नोट फर्जी साइट्स बना करके फर्जी एग्जाम वैकेंसी करवा रहे हैं, अब हम कितना आगे पीछे रहे उनके। भाई इन सब में प्रशासन कहाँ है, प्रशासन कहाँ है भाई, प्रशासन कहाँ है, वो क्या कर रही है। पूरा का पूरा आप देख रहे हैं कि आपका साइट ही नया बना दिया जा रहा है, यूपीपीसीएल से का साइट जो है उसका डुप्लीकेट बना दिया जा रहा है। कहाँ है आपका IT विभाग, वो कैसे हैंडल कर रहा है, आपका योगी सरकार, आपके मोदी जी, आपके सभी जो प्रशासनिक कर्मचारी हैं कैसे हैंडल कर रहे हैं भाई, पूरा का पूरा चीज सिस्टम है चेंज हो जा रहा है। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं भाई, हम लोग तो बस एग्जाम दे सकते हैं, हम टीचर हैं तो आपको पढ़ा सकते हैं, आप जाके एग्जाम दे सकते हैं। लेकिन आपको हम बता देंगे एग्जाम आप दे सकते हैं, लेकिन एग्जाम के बाद भैया क्योंकि आपके सामने वाला बच्चा पता नहीं वो अपना एग्जाम दे रहा है कि दूसरे का एग्जाम दे रहा है, तो उसका नंबर क्या आएगा, आपका नंबर क्या आएगा, पता नहीं उसको पेपर ही मिल गया हो, कौन जानता है। तो स्टूडेंट्स आपको हम यही कहना चाहते हैं, देखिए स्टूडेंट्स हमारे इस वीडियो को बनाने का जो मोटिव है ना, ये नहीं है कि मैं आपको डीमोटिवेट करूं कि भैया आप एकदम एग्जाम देने मत जाओ या फिर आप एग्जाम में अच्छा नहीं कर पाओ, मतलब यहाँ धांधली हो रही है। अरे नहीं, हम ये नहीं कर रहे हैं, आई एम जस्ट सेइंग स्टूडेंट्स कि आप अपने तैयारी को इस लेवल में ले जाइए ना, यू हैव टू टेक योर प्रिपरेशन एट ए नेक्स्ट लेवल, कि उस लेवल पर जो आपके सालवर आपके सामने जो मुन्ना भाई बैठे हैं, मैं भी आपके सामने जो कैंडिडेट हूँ मुन्ना भाई हो सकते हैं, वो भी आपके सामने नीचे आ जाएं भाई, वो भी फीके पड़ जाएं। वो अगर 90 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं,
आई मीन टू से अगर 90% क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं तो आप 92 अटेम्प्ट करिए, 95 अटेम्प्ट करिए, उनको डिफीट करिए, उनको हटाइए साइड से, अपनी प्रिपरेशन को इतने स्टैंडर्ड लेवल पे ले जाइए। और स्टूडेंट्स, अगर आपके अंदर डिजायर ऑफ सक्सीड है ना, यू हैव डिजायर ऑफ सक्सीड, तो आपको बता दें कोई भी आपको नहीं रोक सकता है। चाहे जितने भी मुन्ना भाई आ जाए, जितने भी आपके सालवर गिरो, पूरा सिस्टम ही चेंज हो जाए, बट अगर आप अपना एग्जाम दे रहे हैं और दृढ़ संकल्प लिए हैं कि नहीं हमको सफल होना है और उसके अकॉर्डिंग हार्डवर्क किए हैं, दुनिया की कोई ताकत आपको सफल होने से, आपके एग्जाम में सेलेक्ट होने से आपको रोक ही नहीं सकती। ये समझ लीजिए कि परम सत्य है। आप मतलब एग्जाम से बाहर हो ही नहीं सकते, आप जरूर उसको अचीव करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आपको घबराना नहीं है कि भैया धांधली का न्यूज आने लगी, यूपीपीसीएल जेई में तो धांधली हो रही है, सीट कम है, धांधली ज्यादा है, क्या करें। अरे मत घबराओ रे, आपका सिलेक्शन कंफर्म है अगर आपकी तैयारी अच्छे से है। कहने का मतलब डिजायर टू सक्सीड है, विलिंगनेस टू हार्ड वर्क है, तो आप सक्सेस होंगे ही होंगे। स्टूडेंट्स, हमारे जो परिचय में कुछ लोग हैं ना जो हमारे साथ पढ़ते थे, वो एक दिन हमारे यहाँ फोन किए, बोले भाई हमको तो हमारे समय में, मतलब कि बहुत पुराने की बात नहीं है, अभी एक दो साल पहले की बात है, मतलब प्रीवियस ईयर का एग्जामिनेशन जो हुआ था यूपीपीसीएल जेई का, वो बताए थे कि उनको पूरा का पूरा पेपर ही मिल गया था। बहुत से ऐसे स्टूडेंट थे जिनको पूरा का पूरा पेपर ही मिल गया था, लेकिन भैया वो तो एग्जाम ही कैंसिल हो गया ना, एग्जाम कैंसिल हो गया। राम बाबू याद करो यार, आप भूल जाते हो, राम बाबू जो थे उन्होंने क्या किया, 200 में से 200 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, उनकी वजह से एग्जाम कैंसिल हो गया। बहुत सारे लड़कों का पैसा डूबा था उस समय, लेकिन थोड़ा राम बाबू का ज्यादा डूबा था। तो फ्रेंड्स, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ अपनी तैयारी फोकस करना है, आपको अपने तैयारी पे फोकस करना है, अपने स्टैंडर्ड को नेक्स्ट लेवल पे ले जाइए, आप अपनी तैयारी को मेंटेन रखिए, अपने आप को एकदम प्रिपेयर रखिए, डिजायर टू सक्सीड अपने अंदर पहले क्रिएट करिए कि नहीं, वी हैव टू सक्सीड, वी हैव टू सक्सेस, हमको सफल होना है। उसके बाद विलिंगनेस टू हार्ड वर्क लाइए कि नहीं हमको हार्ड वर्क करना ही है, चाहे इसके लिए हमको रात दिन मेहनत करनी पड़ी, हम करेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। आफ्टर दैट आपके अंदर एक प्रॉपर गाइडेंस भी होनी चाहिए, आपके अंदर एक प्रॉपर गाइडेंस होनी चाहिए कि नहीं हम जो पढ़ रहे हैं, किस वे में पढ़ रहे हैं, कहाँ तक पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, एवरी थिंग शुड बी इन योर गाइडेंस, मतलब आपके गाइडेंस में ये सब चीज़ें होनी चाहिए। तो उसके बाद कोई नहीं रोकने वाला, आप एकदम बिंदास एग्जाम दीजिए, आपका सिलेक्शन कन्फर्म है। अरे हर साल स्टूडेंट होते हैं भाई जो बिना पैसे दिए होते हैं, तो आप कभी मत सोचना कि धांधली हो रही तो हम नहीं होंगे, अरे आप ही हो गए, धांधली वाले तो कुछ लोग होते हैं, सबका पैसा डूब ही जाता है, मैक्सिमम वही लोग हो रहे हैं जो अपने से पढ़ के जा रहे हैं। तो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको यहाँ से कुछ मोटिव मिला होगा कि नहीं आपको सिर्फ पढ़ना है, धांधली तो हो ही रही है, आप देख ही रहे हैं, फ्रॉड का नोटिस भी आ गया यूपीपीसीएल साइट्स पे, उसके बाद मुन्ना भाई पकड़े जा रहे हैं, उसके बाद पिछली बार का अगर इतिहास देखें तो धांधली हो ही रही है, लेकिन आपको नहीं डरना है। हम आपको बता दें कि आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है और सिलेक्शन लेना है। तो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी और आपको लगा होगा कि नहीं जो सर बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा, ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो चलिए वीडियो को करते हैं खत्म, जय हिंद वंदे मातरम। लेकिन एक नोटिस है स्टूडेंट्स, आप थोड़ा सुन लीजिए, चैनल को थोड़ा स्टूडेंट्स व्यूज लाइए, मतलब शेयर तो करिए भाई, प्लीज यार शेयर कर दो यार, शेयर कर दो, मतलब क्या यार व्यूज ही नहीं आ रहे अच्छे खासे, हम कैसे टीच करें, हम सोच रहे हैं कि यहाँ पे टीचिंग करें यार, लेकिन टीचिंग करने के लिए व्यूज तो आए, पहले आप हमारी वीडियो देखो तो सही, व्यूज तो आए, हमको लगे कि नहीं लोगों तक हमारी वीडियो पहुँच रही है, उसके बाद फिर हम वीडियो बनाना स्टार्ट करेंगे टीचिंग का। तो स्टूडेंट्स प्लीज शेयर तो कर ही दीजिए यार, कर दो प्लीज यार, कर दो यार।